तो गाइस यूट्यूब में ऐसा कई सारे वीडियोस मिल जाएगा आपको, जिससे ट्यूनिंग का रिलेटेड, ट्यूनिंग कैसे करते हैं, परफेक्ट ट्यून, ठीक है, सब बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। पर ट्यूनिंग करने का पहले क्या क्या चेक करना चाहिए वो सब कोई नहीं दिखाता, तो इस वीडियो में मैं आज वही दिखाऊंगा आपको, ट्यूनिंग करने का पहले क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा आपको। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, मेरे हर एक वीडियो पे कुछ ना कुछ नॉलेजेबल रहता ही है आप लोग के लिए, ताकि आपको और आपका व्हीकल को कुछ प्रॉब्लम ना हो आने वाले दिनों पे। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक टिप को फॉलो करना, जिससे कि आपको परफेक्ट ट्यून हो। जैसे पास्ट वाला वीडियो में मैं माइलेज का बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो वो माइलेज के रिलेटेड था, वो एकदम परफेक्ट बात था जो जो मैं बोला था, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारा व्हीकल मिला, स्कूटर मिला, बाइक मिलता है, जैसे ऐसा ऐसा सामान का वजह से ये सब माइलेज कम देता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों का शेयर किया, और आज और एक चीज़ शेयर करूँगा कि ट्यूनिंग करते कैसे और ट्यूनिंग का पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है। तो यार वीडियो का ध्यान से देखना। सीट खोलने के बाद आपको यहाँ पे 10 नंबर सॉकेट, 10 नंबर नट खोलना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैं खोल कर रखा ऑलरेडी, जो कि ये है 10 नंबर है, और यहाँ पे 2 स्क्रू रहेगा अंदर में, और 2 10 नंबर रहेगा यहाँ पे, ये साइड में स्क्रू रहेगा, सेम अपोजिट साइड में स्क्रू रहेगा, और नीचे फ्लोर में यहाँ पे, और यहाँ पे एक रहेगा। तो ये सब खोलने के बाद आप ये डिक्की इजीली ओपन कर सकते हो, मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये अपना कार्बोरेटर जो फ्यूल और एयर मिक्सचर को पास करके अपने वाल्व में, इंजन में पहुँचाता है, ठीक है। तो ट्यूनिंग करने के लिए हम लोग को ये पास से दिखाता हूँ आपको, फिर नीचे अंदर में एक स्क्रू दिख रहा हूँ, और ये अंदर 2 स्क्रू है, मतलब एयर स्क्रू है, मिक्सचर स्क्रू है। तो ये दोनों को मिक्स करके ट्यूनिंग करना पड़ता है, हर कोई बंदा दिखाता है वीडियो में कैसे ट्यूनिंग करना पड़ता है, पर आज मैं दिखाऊंगा ट्यूनिंग करने का पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो पहले मैं इसको ये एक्सेलरेटर पिस्टन खोलूँगा, ये एक्सेलरेटर पिस्टन लूज़ हो गया, इसको खोलने के बाद जिस तरह का दिखता है, इसको आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये ताकि बैंड ना हो, स्ट्रेट रहना चाहिए, अगर ये बैंड हो गया तो अंदर नहीं घुसेगा। इसको अपना साइड में रखते हैं, फिर निकाल के चॉक केबल, उसके बाद ये कनेक्शन, तो पहले ये कनेक्शन खोल देता हूँ। स्क्रू दिख रहा है आपको, ये वाला जो फिल्टर का कनेक्ट रहता है कार्बोरेटर में, इसको आपको लूज़ करना है। बाद ये 10 नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, इसको लूज़ करना है, उसका पहले एक पाइप कनेक्शन, पाइप सब खोलने वाला है, और ये पेट्रोल पाइप का तीनों पाइप खोल देना है अपने को, ये 10 नंबर खोलना है। उसके बाद ये कार्बोरेटर का यूज चॉक केबल के लॉक को खोलना है, अगर ये नहीं खुलता है तो आप यहाँ से खोल दो, ये स्क्रू से अगर नहीं खुलता है तो आप यहाँ से खोल दो। इस तरीके से ये अपना कार्बोरेटर खुल चुका है, देख सकते बहुत ही गंदा है बाहर से, क्योंकि हम लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं तो गंदा होता ही है। फिर मैं इसको वॉश करके लाया, अच्छे से वॉश नहीं हुआ। चलिए पहले कार्बोरेटर को बाहर से वॉश कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस कार्बोरेटर क्लीन हो चुका है बाहर से, तो पहले कुछ गंदा था, अभी तो जितना हो सके साफ कर दिया, और हवा का गन होता तो एयर गन होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो अभी ओपन करते हैं इसका ये कैप को, ढक्कन को, तो इसके लिए ये स्क्रू और ये स्क्रू दोनों को ओपन करना पड़ेगा, मतलब खुलना पड़ेगा, इसके लिए मैं स्क्रू ड्राइवर यूज़ करूँगा। तो ये खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा अंदर में, तो इसको भी खोल लेते हो अपन। सारा सामान को अच्छा से रखना आपको, तो अभी अपने को ये दोनों स्क्रू को निकालना है, ये दोनों छोटे वाले और बड़े वाले को, तो ट्यूनिंग करने का पहले आपको ये दोनों चेक करना है, इसका अंदर का जो छेद है मतलब लाइन है जिससे ऑयल पास होता है, एयर पास होता है, तो वो दोनों क्लियर है कि नहीं। इसके लिए आपको इस साइड से अपने एक आँख बंद करके इस साइड में रोशनी डालकर देखना पड़ेगा कि परफेक्ट क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं है तो आपको जो अपना कॉपर वायर रहता है, कॉपर वायर का अंदर का जो एक एक वायर होता है पतला पतला, उसको यहाँ से पास करना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ दोनों होल क्लियर है कि नहीं। बस मैंने चेक किया अभी
ये दोनों होल, ये वाला थोड़ा क्लियर है हल्का हल्का और ये पूरा जाम है, तो दोनों को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए आपको इस तरह का वायर का जो बीच का वायर है, एक मतलब सिंगल पीस लेना है आपको, बहुत बहुत पतला है, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, पर कुछ ऐसा वायर होता है, तो इसका एक पार्ट लेना है आपको, इसको लेके इसको आर पार करना है धीरे धीरे। ये हो चुका आर पार, तो इसको ट्विस्ट करना है इसे। ट्विस्ट करने के बाद आपको फिर चेक करना है थोड़ा अंदर बाहर करके, फिर अंदर राउंड राउंड घुमा के ट्विस्ट करके आपको चेक करना है उसके बाद कि क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको फिर से वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसका मैं क्लीन कर दिया, ये क्लियर हो चुका है, इसको साइड में रखते हैं, दूसरा लेते हैं। अभी सेम प्रोसेस है इसमें भी, सेम प्रोसेस में भी अप्लाई करना है। तो ये भी क्लियर हो चुका है, ये भी क्लियर हो चुका है। और आपको देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा होल मिलेगा साइड साइड में, ये साइड साइड में बहुत सारा होल मिलेगा, उसको भी क्लियर कर लेना है, ऐसे देख लेना आपको क्लियर है कि नहीं। अगर मैक्सिमम ये छोटा वाला ज़्यादा जाम होता है, ये थोड़ा कम होता है, अगर आपका ये जाम रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा होल, तो क्या होगा, आपको ट्यूनिंग मैच नहीं करेगा, ट्यूनिंग परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सो ऑयल और एयर का फ्लो जो होता है वो परफेक्ट नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से आपको ट्यूनिंग प्रॉब्लम होगा। तो अभी परफेक्ट होगा तो बाद में जाकर प्रॉब्लम दे सकता है, सुबह का टाइम अच्छा नहीं होगा, शाम का टाइम अच्छा नहीं होगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा, तो ये दोनों का वैसे होता है, अगर परफेक्ट ऑयल और एयर नहीं मिलता है। तो इन दोनों को मैंने क्लीन कर दिया, तो अभी बाकी जो अंदर का जो ये सामान है इसको भी क्लीन कर दूँगा, ऐसे पेट्रोल मार के क्लीन कर देना आपको। तो बस हो चुका है, अगर गंदा है तो ज़्यादा से ब्रश मार देना, अभी तो गंदा नहीं है, पूरा क्लियर है, देख ही सकते हैं। तो फिर से लगा देते हैं जो जिस जगह पर था, इंपॉर्टेंट बात, जब टाइट करना है, जब आपको कसोगे इसको, पूरा आपका फुल फोर्स नहीं लगाना, हल्का बस अपना हाथ का जितना हल्का फोर्स लगाना है, 100% से 10% फोर्स लगाना है, नहीं तो ये टूट सकता है, क्योंकि ये कॉपर का होता है। एक झटका हल्का सा हो गया, तो इसको बैठाना है इस तरीके से, जो ये बुलेट है इसको फ्लोट पिन बोला जाता है, तो इसको ऐसे लगाना है इसका बीच में, बलून का लॉक कर देना है इसको, ये फ्लोट पिन को ये होल में डालना है, इसको डाल के इसमें लॉक लगा देना है। ढक्कन को भी देख लेना, अगर अंदर कचरा है तो इसको भी क्लीन कर देना, जैसे यहाँ थोड़ा सा है, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, ये हो चुका है क्लीन, तो ढक्कन लगा देते इसका। अच्छे से टाइट करना है ताकि ऑयल लीक ना करे पेट्रोल, और ये क्लीन हो चुका है पूरा। और जैसे कि मैं लास्ट वाले वीडियो पे बताया था ये इस चौक के बारे में, जो हाफ चौक रहने से पतील ज़्यादा खाएगा, तब क्या होता है ना, ये प्लेट को देख सकता है, मूवमेंट होता है, जब ये चौक खींचता है प्लेट मूवमेंट होता है, तो क्या करता है, हवा का प्रेशर को पूरा तेज़ी से भेजता है ये होल का मदद से। तो अगर ये हाफ चौक रहेगा तो आपको एयर का प्रेशर परफेक्ट नहीं जा पाएगा, जिससे कि आपको पेट्रोल ज़्यादा खाएगा। इसको ऐसे रहना चाहिए पूरा, दोनों से टोटली अच्छा से एयर जाए, अगर कवर हो जाएगा तो नहीं होगा, इसलिए हाफ चौक नहीं रहना, इसको फुल लू ऑफ करके रखना है, इसलिए आप ये सब चेक करते रहे बीच बीच में, हर 6 महीने 7 महीने में। और कभी कभार ये भी जाम हो जाता है, इसका साथ मूव नहीं करता, वो भी चेक करते रहना चाहिए। ये इसका क्लीनिंग का काम हो गया, तो अभी जाके और एक टिप दिखाता हूँ मैं, जिससे ट्यूनिंग को प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलिए जाते हैं अपने स्कूटर का पास। लगाने के पहले आपको चेक क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे एक इंसुलेटर बोला जाता है, इसको अपना लैंग्वेज में हम लोग का यहाँ पे इंसुलेटर बोलते हैं, आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, तो इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसका जो ये वोडिंग है रबड़ है, तो इसको आपको चेक करना है, ये अगर फट गया या फिर कहीं से टूट गया है, या फिर ये वाला जो इंसुलेटर ये क्रैक है, तो आपको इसको बदल देना, तुरंत बदल देना है, ठीक है। अगर ये नहीं बदलोगे तो ट्यूनिंग परफेक्ट नहीं होगा, तो इसका वैसे आपका तेल ज़्यादा खाएगा, माइलेज कम देगा, ऐसा सीन होगा। तो आपको ये टूटा है तो तुरंत चेंज करना चाहिए, ये मस्त जरूरी है ये वाला। और एक इंसुलेटर बोला जाता है इसको, तो यहाँ पे रहता है कार्बोरेटर का, ये देख सकते ब्लैक लेयर जो है, ठीक है, ये भी कभी कभी ऐसा ये सब जगह से क्रैक हो जाता है, ये सब जगह से क्रैक हो जाता है, तो ये भी आपको चेक करना है। अगर ये खराब टूटा है तो इसको भी चेंज कर देना है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, ये इंसुलेटर और ये इंसुलेटर दोनों को चेक करना है, इसमें भी वायरिंग होता है, उस वाले में भी वायरिंग होता है, तो दोनों को चेक करना है आपको। ये अपना तो अभी सही है, यहाँ पे वायरिंग भी सही है और इंसुलेटर भी ठीक है, ये अभी बढ़ा सकते हैं। और आपको चेक करना है एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का गंदा रहेगा, जाम रहेगा, तो ट्यूनिंग परफेक्ट नहीं होगा। और इस जगह को अच्छे से पोंछ देना है, देखिए यहाँ पे कचरा लगा थोड़ा थोड़ा,
इसको क्लीन कर देना है अच्छा से और लगा देना फिर। तो चलिए अभी मैं इसको कार्बोरेटर के यहाँ बैठाता हूँ। लगाने का टाइम में इसको मत भूलिए, ये आपका डस्ट कवर है जिसको ऐसे लगाना पड़ता है, इसको ऊपर फिर इस तरीके से साइड से इस तरीके से लगाना है। बस आपको एक चीज़ चेक करने करना है, पाइप सब जो है ना इसका साइड साइड में टाइम टाइम के बाद ये फट जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फट रहा है। तो ये चीज़ आपको चेक करना, अगर फट गया है तो आपको इस यहाँ इसके यहाँ से काट देना है, काट के फिर लगाना है। तो ये अभी ठीक है चलेगा, इसको मैं ऐसे लगा दूँगा, जो पाइप जहाँ पर तो उसको वहाँ पर लगा देना। तो वह सारा कनेक्शन वर्क मैंने कर दिया है, पाइप का, पेट्रोल पाइप का, एक्सेलेटर केबल, पिस्टन, ये एयर पाइप सारा फिटिंग कर दिए। अभी क्या होता है, आपका अभी कार्बोरेटर में ऑयल नहीं है तो इसको ऑयल थोड़ा आना पड़ेगा, जिससे कि आपको थोड़ा स्टार्ट करने में तकलीफ हो सकता है। स्टार्ट कर दे, एक बार ऑयल भी आ चुका है। ट्यूनिंग के लिए आपको ऐसा माइनस वाला स्क्रूड्राइवर चाहिए होगा, इसके बाद मैं आपको अंदर में एक स्प्रिंग का साथ ये वाला स्प्रिंग का साथ दिया गया, यहाँ पे स्क्रू है, इसको आप इनको हल्का सा बनना आपको पहले। एकदम हल्का सा बनाना, उसके बाद आपको एयर स्प्रिंग को फुल टाइट करना, गाड़ी बंद होने लगेगा तो क्या क्या करना है आपको, आपको थोड़ा और बढ़ा देना। उसके बाद में क्या पैर सीधे कुछ टाइप करना, जहाँ तक टाइप करना बंद हो जाता है वहाँ तक करना हो गया। अभी क्या करना है, इसको धीरे धीरे लूज़ करना है, लूज़ करते करते आरपीएम जहाँ पे सबसे ज़्यादा है हमको यहीं पे छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा टाइप थोड़ा थोड़ा लूज़ करके देख सकते हैं, जहाँ पे आरपीएम सबसे ज़्यादा है वहीं पे आपको छोड़ देना है। सुनने लूज़ करूँगा अभी आपको, धीरे धीरे लूज़ करना है, एक बार में नहीं लूज़ करना, धीरे धीरे करना है, क्योंकि आरपीएम बढ़ रहा है इसका। लूज होगा तो आरपीएम कम भी सकता है, तो आपको फिर से करना थोड़ा टाइप करना है, यहाँ पर आरपीएम ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल मैंने गाड़ी को ऑफ़ कर दिया है, थोड़ा ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद फिर से इसे ट्यून चेक करूँगा। ऐसे ही परफेक्ट ट्यून होता है, मतलब पहले गाड़ी को वार्म अप करना है, ठीक है, फिर जाकर आपको थोड़ा रेस्ट देना है, 5 मिनट्स का रेस्ट देना है, उसके बाद आपको ट्यून करना है, तब जाकर परफेक्ट ट्यून होगा। तो अभी मैंने रेस्ट दिया है, उसके बाद फिर ट्यूनिंग चेक करूँगा। गाड़ी को थोड़ा ठंडा हो गया तो अभी फिर से स्टार्ट कर दे इसको। ट्यून होने के बाद आपको ये चेक करना है, बिना एक्सीलेटर घुमाए किक मार के गाड़ी स्टार्ट एक बार में हो रहा है, ठीक है, अभी एक बार में हो रहा है स्टार्ट, मतलब परफेक्ट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, जैसा मैंने दिखाया स्टेप बाय स्टेप, अगर आप कर सकते हो आप करो, अगर आपको नहीं आता तो कोई टेक्नीशियन का हेल्प ले लो, या कोई मैकेनिक का गैरेज में चला जाओ जो आपको ऐसा कर दे, बस आपको उसे ऐसे ऐसे बोलो कि ऐसे ऐसे करना है, तो आप इजीली आपका परफेक्ट ट्यून कर सकते हो और बहुत सारा नहीं थोड़ा बहुत फ्यूल बचा सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल और मोटिवेशन का वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प हो, जितना मुझे आता है वो मैं आपको सब सिखाऊंगा और मैं सब शेयर करूंगा जितना मुझे जो मैं सकता हूँ। इसी के साथ मिलेंगे, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी वापस।